डिवाइन फेमिनाइन की स्पेशल करंट एनर्जी बता देती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही अनकंडीशनल लव और माफ़ करने जैसा एटीट्यूड उनके अंदर आ गया है। मतलब एंगर इश्यू पूरी तरह से हील हो गया है उनका और वो अब माफ़ करना मतलब सीख गई है। पहले जो होता था, जैसे मैं इंडिगो चाइल्ड थी, मैं माफ़ नहीं कर सकती थी, मुझे गुस्सा आता था, लेकिन एंजल्स ने मुझे कुछ ऐसा प्रोटेक्शन दिया है कि पता नहीं गुस्सा नहीं आ रहा, अनकंडीशनल लव ही आ रहा है सब तरफ। जैसे पहले कोई कमेंट करता था तो मैं बड़ा गुस्से में आ जाती थी, उल्टा सीधा कमेंट अगर कोई कर दे तो मैं बहुत गुस्से में आ जाती थी, बट अब उसमें भी प्यार आ रहा है क्योंकि समझ में आ रहा है कि भगवान ने जो है हमको कुछ स्पेशल दिया है, कुछ हायर एनर्जी दी है, जिसकी वजह से जो है लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं और गलत सलत कमेंट। क्योंकि क्या होता है, बताती हूँ, बहुत टाइम डिवाइन फेमिनाइन अगर ब्यूटीफुल भी ना हो, ओके, वो ब्यूटीफुल भी ना हो, फिर भी जो है लोग उनसे जलते हैं। क्यों जलते हैं ये मैं वीडियो में जब मैंने खुद को देखा बात करते हुए तब मुझे समझ में आया। बेसिकली उनकी एनर्जी बर्दाश्त नहीं होती लोगों से, उनकी जो है एनर्जी बर्दाश्त नहीं होती, कोई 2 मिनट भी उनकी एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसीलिए उनके दोस्त नहीं बनते। देखिए जब दर्द होता है ना तब झंडूबाम अच्छा लगता है, तब आयोडेक्स अच्छा लगता है, झंडूबाम लगाओ तो अच्छा लगता है, और बट नॉर्मली हमको झंडूबाम नहीं पसंद आता ना। तो जब हीलिंग की ज़रूरत होती है तो डिवाइन फेमिनाइन बहुत अच्छी लगती है, बट नॉर्मली कोई भी अगर उनसे उनके ऑरा में आता है तो सडन से वो अपने आप को जो है कम समझने लगता है, बट वो चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए वो जो है हमेशा उनमें कुछ ना कुछ बुराई जो है ढूंढने लगता है। और उनको ऐसा फील, घुटन सा फील होता है कि कुछ तो है इसमें जो ज़्यादा है, जो बेहतर है, जो बेटर है और जो कि सबसे स्पेशल है, तो उनकी आत्मा वो डिकोड कर लेती है। बट फिर उनको समझ में नहीं आता कि अगर ये बेटर है, बेस्ट है, तो एग्जैक्टली क्या और बेटर और बेस्ट है जो इसमें है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन में हमेशा बुराइयां निकालते हैं। कहीं से भी उनको ऐसा लगता है कि मैं एटलीस्ट इसके लेवल का हो जाऊं या मैं खुद को बेटर फील कराऊं। कि देखो बात डिवाइन फेमिनाइन की भी अगर करे तो कोई अगर उनको अंडर एस्टिमेट करे या लोअर एनर्जी में ले जाना चाहे या ऐसे बातों बातों में, किसी फ्रेंड ने मुझे कह दिया कि भाई तुम जो हो रियल एनर्जीज डाला करो और डुप्लीकेट एनर्जी मत डाला करो ट्विन फ्लेम्स की, तो सो आई हर्ट कि नहीं भाई मैं तो ओरिजिनली डालती हूँ, जो मुझे यहाँ फील होता है वही डालती हूँ, लोग तो टैरो रीडिंग करते हैं, मैं तो वो भी नहीं करती। हाँ ये है कि मुझे करंट एनर्जी डालना दिल से पसंद नहीं है, बट अब पसंद आने लगा है क्योंकि कहीं ना कहीं क्या चेंजेस आ रहे हैं एनर्जी में वो हम डिकोड कर पाते हैं, इसीलिए अब मुझे करंट एनर्जी डालना जो है पसंद आ रहा है। जो लोग मतलब सोल फैमिली से नहीं है, डिवाइन फेमिनाइन की सोल फैमिली से नहीं है, वो जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाते डिवाइन फेमिनाइन से। जैसे एक कमेंट आया था, अब वो फिर से कमेंट करेगी, मैंने ब्लॉक भी किया उसको, जलने की बुआ रही वगैरह, तो ये है आपका स्पिरिचुअल चैनल और ऐसा होता है कि कुछ 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 उन्होंने जो है कमेंट किया था, तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। बट मुझे पहले अगर मुझे मेरे साथ अगर कोई ऐसा कमेंट करता तो मैं बड़ा गुस्से में आ जाती और मैं उसको माफ़ नहीं कर पाती थोड़ी देर मुझे, बट एंजल्स ने कुछ जादू किया है जो कि जिसकी वजह से मैं हील फील कर रही हूँ। तो डेफिनेटली अगर
एंजल्स ने मेरे लाइफ में इतनी हीलिंग वाली एनर्जी सेंड की है। तो डेफिनेटली अगर एंजल्स ने मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिव एनर्जी सेंड की है तो हो सकता है बाकी डिवाइन फेमिनाइंस को भी वो इसी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हो और उनको हायर डायमेंशन में, मुझे कुछ फील हो रहा है कि हायर डायमेंशन में जो है मैं शायद गई हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि पहले मैं जानबूझ के गुस्सा आता था, पहले मेरे ऊपर अटैक्स होते थे, अब जो है एंजल मुझे काफ़ी हील कर रहे हैं। थैंक्स टू एंजल। ये पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी जो है आई थिंक यहाँ पे हमारा साथ एंजल बहुत देते हैं। तो मैं बहुत दिनों से परेशान थी कि मुझे किसके पास एंजल थेरेपी सीखनी है, और एंजल खुद से मुझे कांटेक्ट कर रहे थे, स्मेल दे रहे थे, प्रेजेंस दिखा रहे थे, गोल्डन लाइट्स मुझे दिख रहे थे, कलर लाइट्स दिख रहे थे। और मैं सोच रही थी कि भाई एंजल से तो कांटेक्ट हो रहा है बट मुझे सीखना है, तो मैं सीख रही हूँ। तो दोस्तों आप भी मुझसे सीखिए, जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो ज़रूर आप मुझसे जो है एंजल थेरेपी सीखिए। और नाइट को शायद देखिए आपके साथ भी कुछ ऐसा एनर्जी फील हुआ है क्या। नाइट को मुझे थोड़ा निगेटिव फील हुआ, कोई एक मेल फिगर निगेटिव सोल थी, डेविल टाइप। तो मैंने भैरव मंत्र का चांट किया और मुझे थोड़ा ड्रीम में भी कुछ नज़र आया। ड्रीम में मैंने क्या देखा मैं बताती हूँ। देखो मेरे जो कार्मिक थे उनके रिलेटिव्स जो थे वो मुझे काफ़ी परेशान करते थे, मतलब मेरे कार्मिक के जो कज़न थे। तो मैं अब सोचती हूँ कि भाई उन्होंने तो एक तरह से मेरी मदद ही की है, क्योंकि मुझे कहाँ पता था मैं डिवाइन सोल हूँ, और उन्होंने बिल्कुल मेरे कार्मिक के पास मुझे जाने ही नहीं दिया, मिलने ही नहीं दिया, फ़ोन कॉल नहीं करने दिया, रिसीव नहीं करने दिया। कार्मिक का मोबाइल वो अपने पास रखते थे, गलती से मैं कॉल करूँ तो सारे मैसेज, मैं सोचती थी मेरे कार्मिक के पास मोबाइल है और सारे मैसेज जो है उनको मिल जाते थे, पूरी प्राइवेट बातें वो सुन लेते थे, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। बट अब ऐसा हो रहा है डिवाइन फेमिनाइन इतनी प्योर कंडीशन में है कि वो उनको भी माफ़ कर रही है। और जैसे आई होप ऐसा 3D में भी हो। आज मैंने ड्रीम देखा जैसे चूल्हे में कोई जला कर स्वाहा कर रहा है कि बस तेरा मेरा अब कोई दुश्मनी नहीं है और दोस्ती भी नहीं है, तो हमारा कनेक्शन, मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये कार्मिक्स जो है एक तरह से दोस्तों इन्होंने मदद ही तो की है, जो मैं सोचती थी कि हमारा रिलेशन ये ख़राब कर रहे हैं या मेरा रिलेशन बनने ही नहीं दिया, बनने से पहले उजाड़ दिया। बट आज मैं सोचती हूँ कि ये डिवाइन प्रोटेक्शन था कि जो हमें जो है इन कार्मिक से जुड़ने ही नहीं दिया। वक्त आने पर पता चला कि हम तो ट्विन फ्लेम्स हैं, तो हम तो एक पर्पज़ के लिए आए हैं। और सीधी सी बात है दोस्तों, इन्होंने ईमानदारी से जो भी इनकी लोअर एनर्जी है जो भी है, इनको पता था कि अगर वो हमें एक्सेप्ट करते तो हम उनकी तरह लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाते या लोअर कर्मा नहीं करते, लोअर थिंकिंग पैटर्न हम बना नहीं सकते। तो उन्होंने वो डिकोड कर लिया कि ये जो है हमारे जैसे नहीं बन सकती। बट हमको क्या दुख होता है कि उन्होंने हमको रिजेक्ट किया। हम 3D की दुनिया में जी रहे हैं ना, कि हमने रिश्ता बनाया है, हमारे रिश्ते टूट गए हैं, बट इनफैक्ट भगवान जो है हमारे साथ जस्टिस कर रहा है। बट हम 3D में होने की वजह से वो समझ नहीं पाते कि हमको लगता है उन्होंने रिजेक्ट किया, उन्होंने अन्याय किया। तो उन्होंने एक तरह से प्रोटेक्शन दिया है डिवाइन फेमिनाइन को, उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन को किसी कार्मिक के पास आने ही नहीं दिया, छूने ही नहीं दिया, भटकने ही नहीं दिया, बिल्कुल कट ऑफ रखा, उसकी परछाई तक नहीं पड़ने दी। तो मतलब कितना प्रोटेक्शन इन्होंने दिया है, तो इनको जो है सलाम।
तो एक तरह से मदद की है। तो मैंने सोचा कि बाबा एक तरह से इन्होंने मदद ही की है, तो क्यों अब इनके लिए कड़वाहट हम रखें, वो जाने अपने रास्ते, हम जाएंगे अपने रास्ते। और रात को थोड़ी सी निगेटिव एनर्जी मुझे फील हुई, क्योंकि हो सकता है कि अब मैं कैमरे पे आ रही हूँ, बहुत बता रही हूँ मैं हील हूँ हील हूँ, तो ज़रूर निगेटिव एनर्जी को तकलीफ़ होती है कि अगर ये हील है तो हम फिर से इसको डिस्टर्ब करेंगे। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की उन्होंने कोशिश की, बट दैट्स ओके, हैंडल हो गया वो। बट बात करें डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की, तो वो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम बैलेंस पे है, एक्सट्रीम। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। और डेफिनेटली ये जो है एंजल्स की वजह से हो रहा है। मेरी आईज जो है ना, एक्चुअल ऐसी नहीं है मेरी आईज, अभी गोटियों की तरह हो गई है, बट मेरी आईज फ्लैट है, मतलब ऐसे बाहर गोले नहीं। बट ये जो हीलिंग मुझे एंजल्स ने दी है, जो किसी भी रूप में हो, डिवाइन, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स मुझे ब्लेसिंग्स देती है और हील करती है। तो यही है कि भाई एक मोड़ पे डिवाइन फेमिनाइन आ चुकी है, जहाँ उनकी लग रहा है कि हीलिंग कंप्लीट हो गई है, हीलिंग कंप्लीट हो रही है। उनको साइन भी इतने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। जैसे मैं परसों जा रही थी, 7 जुलाई को मैं जर्नी में जा रही थी, तो मैंने देखा कि एक बोर्ड के ऊपर मोर बैठा है। पहली बार ही देखा, देखो मोर भागते हुए चलते हुए तो बहुत बार देखा, बोर्ड के ऊपर मस्त खड़ा है। और जब मैं हमारे फैमिली फंक्शन में जो है मैं मेकअप करके जा रही थी अचानक रास्ते से, आपको पता है वो किंग फिशर होता है ना, वो किंग फिशर जैसे बिल्ली क्रॉस कर जाए ना रास्ता, तो वैसे मेरे सामने से की करते उड़ते उड़ते गए। ले यार, ये तो बड़ा ही अच्छा साइन है। मेरे एक फ्रेंड है, जब भी मैं उसके घर जाती थी बैड एक्सपीरियंस आते थे, और हमेशा बिल्ली रास्ता काटती थी। और शिरडी में भी जब मेरा डार्क नाइट ऑफ सोल आने वाला था, उसके कुछ टाइम पहले बिल्ली रास्ता काट जाती थी। तो मैं उस समय, मुझे लगता था नहीं, ये तो शिरडी है, यहाँ तो बाबा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मेरा उस समय था। बट कहीं ना कहीं ये जो एनिमल्स होते सचमुच हमें साइन देते हैं। तो सबसे पहले तो जब मेरा चैनल शुरू हुआ, कहीं ना कहीं ये मेरी ट्रेनिंग थी, ये मेरी ट्रेनिंग थी कि देखो ऐसे तो होगा ही, ऐसे तो होगा ही, जलने वाले तो आएंगे ही। बट मैं उस एनर्जी, क्योंकि मेरी एनर्जी भी डिस्टर्ब कर दी गई थी ना, कि सिर्फ कमेंट्स नहीं, बाय एनर्जेटिकली ही बहुत अटैक हुए थे। तो मुझे गुस्सा आता था, और मैं रिएक्ट करती थी, कभी अब्यूजिव वर्ड्स भी यूज़ करती थी। बट इस जर्नी की कहीं ना कहीं मैं ना एक डिवाइन फेमिनाइन की रियल जर्नी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सॉरी टू से, बट बहुत डिवाइन फेमिनाइंस को मैंने देखा है कि वो चैनल तो खोल चुकी है, वो बताती है कि रियूनियन हो चुका है, बट कहीं ना कहीं रियल एक्सपीरियंसेस वो छुपाती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो रियूनियन को नहीं बताएगी तो शायद लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, शायद जो है लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और उनसे जो है मार्गदर्शन नहीं लेंगे। तो इसीलिए वो जो है वो बताती है कि रियूनियन हो चुका है, बट रियल एनर्जीज के बारे में नहीं बताती कि हाँ मैं भी आप जैसे कि जर्नी में हूँ, या मैं भी खुद की हीलिंग कर रही हूँ, मैं भी डिस्टर्ब हो सकती हूँ, मेरे ऊपर भी अटैक हो सकते हैं। तो वो ज़्यादा शेयर नहीं करते। अब ये जो भी है, मजबूरी है या जो भी है, बट ऐसा है। बट मैं जो हूँ आपको रियल एनर्जी बता रही हूँ,
एंजल्स ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो है डिवाइन फेमिनिन को हील कर दिया है, मैं ऐसा कहूँगी। और मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि सीखूँ एंजल थेरेपी, पर वो हो नहीं रहा था। बट कहीं ना कहीं एंजल्स की ही ब्लेसिंग्स है, क्योंकि ज्वाइन मैं बहुत दिन से करना चाहती थी बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था किसके पास जाऊँ, तो वो ऑटोमेटिक करवा लिया, एंजल्स ने गाइड किया। लेट्स सी, अब ये एनर्जी आई होप ऐसी ही रहे, और मुझे प्लीज़ माय ऑल डिवाइन रियल डिवाइन फेमिनाइन्स जो कि बहुत ही अनकंडीशनल लव में है, जिस जैसे फ़िलहाल मैं हूँ। पहले मैं भी बहुत डिस्टर्ब कर्स देने के मूड में, बर्दाश्त नहीं होता था ये सब, क्योंकि लाइफ में भी हमारे लेसन्स ऐसे मिले होते, दर्द ऐसे, पेन ऐसे मिलते हैं जिससे हम टूट जाते हैं। बार बार डिवाइन फेमिनाइन्स को तोड़ा जाता है, कितनी भी वो हील हो जाए फिर से तोड़ा जाता है, फिर से वो उनको और मजबूत बना दिया जाता है। तो आई होप इस बार जो है कितनी भी मुश्किल अब लाइफ में आए, डिवाइन फेमिनाइन कभी भी अपना बैलेंस आपा ना खोए, और उसको एंजल्स ऐसे ही हील करते रहे। और मुझे एक कंप्लीशन फील हो रहा है कि देखो, 3D में किसी को हम अपना नहीं कह सकते डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए स्पेशल, बट एक अंदर से हार्ट चक्र मेरा अब कंप्लीट फील हो रहा है कि कोई तो है जो मेरा साथ देता है, तो एंजल्स साथ दे रहे हैं स्पेशल, बहुत अच्छे तरह से, किस स्मेल आना, दिखाई देना वगैरह वगैरह वगैरह। तो और भी अभी तक तो मैंने कुछ एंजल से कनेक्शन बनाया नहीं, कोई प्रेयर नहीं की, बट नसीबवान है हम जो एंजल्स खुद हमको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और खुद हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं।